फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मम्मास किचन वन सेकंड। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ एश गॉट यानी कि सफ़ेद पम्पकिन का एक स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये कोई तरकारी नहीं है, सफ़ेद पम्पकिन से बना पकौड़ा कह जा सकता है। ये एक टिपिकल बंगाली डिश है, बहुत स्वादिष्ट बनता है। सिंपल दाल और चावल के साथ इसे सर्व किया जाता है। सो लेट्स मूव टू माय मस्त किचन टू प्रिपेयर एश गॉट यानी कि सफ़ेद पम्पकिन पकौड़ा। हम एक आधा किलो वज़न का एश गॉट यानी कि सफ़ेद पम्पकिन या राख लौकी लिए हैं। इसे बंगाली में चाल कुमड़ा कहा जाता है। सबसे पहले हम इसका छिलका निकाल लेंगे। अब इसका हम स्लाइस करेंगे। सबसे पहले बीच में काटेंगे, ये देखिए इस तरह दो हाफ्स में, और उसके बाद इस तरह हम थिन स्लाइसेस में काटेंगे। आज हम जो डिश बनाने जा रहे हैं वो एश गॉट कारी नहीं है, हम इसे एश गॉट पकौड़ा बोल सकते हैं। तो इस तरह हम 6 स्लाइसेस काटे हैं। बाकी एश गॉट का हम नॉर्मल चॉप करके कारी बना सकते हैं। 6 स्लाइसेस को हम इस तरह रख करके बीच में से ये देखिए काट लेंगे। हर एक स्लाइस को दो टुकड़े में काटना है, इसलिए हम इस तरह काट लिए हैं। ये देखिए अब ये 12 टुकड़े हो गया है। इधर हर एक स्लाइस का जो दो टुकड़े हैं उसे एक साथ रखे हैं। अब इसका स्टफिंग बनाने के लिए हम लिए हैं ग्रेटेड नारियल और उसके साथ आधा छोटी चम्मच मस्टर्ड। हम यहाँ पर ब्लैक मस्टर्ड और येलो मस्टर्ड दोनों ही लिए हैं, यानी कि काला सरसों और पीला सरसों, दोनों ही आधा आधा छोटी चम्मच लिए हैं। अब इसमें पानी ऐड करेंगे, थोड़ी देर के लिए भीगने देंगे। सरसों को एक छलनी में डाल करके हम टैप के नीचे अच्छी तरह धो लेंगे। अब ये धुली हुई सरसों में एक बड़ी चम्मच खसखस सीड्स ऐड कर देंगे। ये देखिए ये खसखस सीड्स हम छलनी में ऐड कर देंगे और इसे सरसों के साथ अच्छी तरह टैप के नीचे धो लेंगे। ये देखिए आप चाहे तो सरसों और खसखस को एक साथ छलनी में डाल करके धो करके रख सकते हैं। करीब 10 मिनट भिगोने के बाद हम सरसों और खसखस को ग्राइंडिंग जार में ऐड कर देंगे और उसके साथ 4 बड़ी चम्मच नारियल जो ग्रेट करके रखे थे उसे भी ऐड कर देंगे। ग्राइंडिंग जार में एक हरी मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर करीब 1/4 छोटी चम्मच, थोड़ा सा नमक करीब 1/4 छोटी चम्मच और आधा छोटी चम्मच चीनी भी ऐड कर देंगे। चीनी ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। आप थोड़ा सा पानी के साथ इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमने ग्राइंड कर लिए हैं, ये एक स्मूथ पेस्ट बन करके तैयार हुए हैं। अब हम एक कढ़ाई में करीब 1 बड़ी चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड करके इसे गर्म करेंगे। आप उस तेल में ये मसाला पेस्ट जो हम बना करके रखे थे उसे ऐड कर देंगे। इस सरसों और खसखस पेस्ट को हम 10 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे। इसका कंसिस्टेंसी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और इसका रंग भी थोड़ा डार्क हो जाएगा। स्टफिंग तैयारी में करीब 10 मिनट ही लगता है। इधर एक सॉस पैन में हम करीब 1 कप पानी के साथ थोड़ा सा नमक मिक्स कर लिए हैं, करीब 1/3 छोटी चम्मच, और उस नमक पानी में ये सारे चाल कुमड़ा यानी कि एश गॉट पीसेस ऐड कर देंगे और इसे करीब 5 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। पैन को ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम 5 मिनट के लिए उसे कुक करेंगे। इधर कढ़ाई में स्टफिंग ऑलमोस्ट बन करके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी जो है वो काफ़ी हद तक टाइट हो चुका है। करीब 2 मिनट के लिए इसे और भूनेंगे और अब ये बन करके तैयार है। ये देखिए गैस बंद कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा होने देंगे। यहाँ पे एश गॉट भी 5 मिनट के लिए कुक हो गया है, हम गैस बंद कर दिए हैं और इसे इमीडिएटली एक छलनी में डाल करके इसका पानी जो है वो हम ड्रेन कर देंगे। ये देखिए अब इसे भी हम इस तरह रूम टेम्परेचर तक आने पर ठंडा होने देंगे। अब हम इस स्टफिंग से एश गॉट टुकड़े का सैंडविच बनाएंगे। यहाँ पर हम 2 टुकड़े लिए हैं और एक स्लाइस के ऊपर हम ये स्टफिंग इस तरह ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह उंगली की सहायता से हम इसे स्प्रेड कर देंगे।
दूसरा स्लाइस जो है हम स्टफिंग के ऊपर इस तरह रखेंगे, ये देखिए, इसे इस तरह प्रेस कर देंगे ताकि अंदर वो इवेनली स्प्रेड हो जाए। ये देखिए एक बन करके तैयार है। ये देखिए इसका स्टफिंग जो है इस तरह अंदर स्प्रेड हो गया है। इस तरह हम सारे टुकड़े के अंदर स्टफिंग डाल देंगे। ये देखिए हम 6 सैंडविचेस बना लिए हैं। अब एक मिक्सिंग बोल में हम 2 बड़ी चम्मच बेसन ऐड करेंगे, उसके साथ 1 बड़ी चम्मच मैदा ऐड करेंगे और 1 बड़ी चम्मच चावल का पाउडर यानी कि राइस फ्लावर ऐड करेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और आधा छोटी चम्मच जीरा इस तरह उंगली से प्रेस करके ऐड करेंगे। इसमें क्या होता है, जीरा का बहुत अच्छा एक खुशबू बैटर में आ जाता है। 2 चुटकी हींग ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे। अब हम बाउल में थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते हुए एक थिक कंसिस्टेंसी बैटर बनाएंगे। पानी धीरे धीरे ही ऐड करें, नहीं तो बैटर में लंप फॉर्मेशन हो सकता है। ये देखिए हमारा बैटर बन करके तैयार है। इसे अच्छी तरह हम फोर्क से मिला दिए हैं। इसका कंसिस्टेंसी नोटिस करें, ये देखिए, ये ज़्यादा थिक भी नहीं है, ज़्यादा थिन भी नहीं है, पर थोड़ा थिकर साइड में है। तो सैंडविच और बैटर रेडी रख करके हम कढ़ाई में करीब 3 बड़ी चम्मच मस्टर्ड ऑयल ही ऐड करेंगे। इसे आप रिफाइंड ऑयल से डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं शैलो फ्राई ही करूँगी और मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करूँगी। अब इस बैटर में एक एक करके सैंडविच इस तरह हम डिप करेंगे, ये देखिए। अब इसे हम गरम तेल में छोड़ देंगे। तेल गरम होना बहुत ज़रूरी है। तेल जब बिल्कुल पाइपिंग हॉट होगा तब भी हम एक एक करके सैंडविच को बैटर में डिप करके फिर तेल में छोड़ेंगे। इस तरह ये देखिए, तेल अगर कम गरम हो तो पकौड़े से मस्टर्ड ऑयल का एक स्मेल आ जाता है। तो इसे हम शैलो फ्राई कर रहे हैं। दोनों साइड्स हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए एक साइड गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब दूसरा साइड भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। साइड्स को हम चिमटा से पकड़ करके इस तरह फ्राई कर सकते हैं, पर इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है। 2 चम्मच के साथ पकोड़ा को पकड़ के आप साइड्स फ्राई कर सकते हैं। तो हमारा 2 पकोड़ा बन करके तैयार है, ये देखिए। इस तरह हम बाकी सारे पकोड़े बना लेंगे। मैं फिर से बता दूँ, साइड्स को अलग से फ्राई करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, पर आप चाहे तो कर सकते हैं। जिस दिन आप ये पकोड़े बनाएंगे उस दिन दाल चावल ज़रूर बनाएं, क्योंकि दाल चावल के साथ ही ये पकोड़े खाया जाता है। इस तरह हम सारे पकोड़े बना करके तैयार कर लेंगे, ये देखिए। तो ये हमारा सफ़ेद पम्पकिन यानी कि एश गॉर्ड या चाल कुमड़ा का पकोड़ा बन करके तैयार है। इसे गरम गरम दाल और चावल के साथ सर्व करें। तो दोस्तों ये था मेरा आज का रेसिपी। इसे अपना किचन में ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग माई मस्त किचन।